असद कैसर साहब, ये परवेज इलाही साहब ने भी अपना मौकफ वाजे कर दिया, बता दिया। खान साहब को केपी में हमें पता है क्या है, सिंध के हवाले से भी खबर आ चुकी है। आज गई या कल गई वाली बात है ये कि दीवार को हल्का सा सिर्फ धक्का लगाना है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ पहला कि इस महीने के हवाले से अब हम क्यों बात कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ ने जब अपना ये फाइनल कॉल दी थी और इतने बड़े पैमाने पे आया था कि खान साहब वहाँ गए और लोगों से मुशावरत की, तो उन्होंने कहा मैं फौरन इस पे अमल करूँगा। आपको लगता है कि कोई इसमें पॉलिटिकल हिकमत अमली है या गवर्नमेंट को टाइम दिया जा रहा है कि वो डायलॉग की टेबल पर आएं और फिर नेशनल इलेक्शन हो बजाय इसके कि पहले एक सूबे में दूसरे सूबे में, ये हिकमत अमली है या इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल माइंडसेट है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल आपने खुद भी बयान की है, जिस तरह कमल में जा रही है, जिसमें मुल्क में जो है ना मुल्क डिफॉल्ट के बहुत करीब है और माशी तौर पर बहुत सीरियस चैलेंजेस है। हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा इकदाम ना उठाए कि जिसकी वजह से मुल्क में मजीद जो है ना क्रॉनिक सिचुएशन डेवलप हो और लोग जो है ना जो थोड़ा बहुत एतमाद है इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको पता है कि रशिया ने भी अभी इनकार कर दिया है और कोई दुनिया इसके साथ ताल्लुक रखने के लिए तैयार नहीं है, और अफगानिस्तान में जो कल हुआ उसमें भी बहुत अफसोस है। तो सारे इस बात के इशारे हैं कि इस हुकूमत में वो पोटेंशियल नहीं है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकाले या इस मुल्क को जो है सही रास्ते में डाले। तो हम चाहते हैं एक रास्ता भी दे, एक तरीका भी बताए कि आए हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि पूरी इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो, ताकि कल कोई इसके नतज को जो है ना कंट्रोवर्शियल ना करे। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं कि ये अपना डिसीजन कर ले। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन वो इलेक्शन, अगर इलेक्शन के ऊपर ये तैयार नहीं है, टाइम देने के तैयार नहीं, तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। तो हम कैटेगरी के लिए कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताकि ये मुल्क जो है ना इसमें मैंडेट जो जो अवाम मैंडेट दे, जिसको मैंडेट दे उसकी वो इस मुल्क पे हुकूमत करे। इस वक्त जो इनकी असम्बली में हालत देख रहे हैं, बार बार कहते हैं कि असम्बली जो है ना एक तो फॉर्म मशीनी पूरा हो रहा है, असम्बली बिल्कुल जो है ना वो डिसफंक्शनल हो गई है, असम्बली की कोई वैल्यू रही नहीं है। तो इस सूरत में असम्बली में ये कैपेसिटी नहीं है कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। नए बजट के लिए नई असम्बली चाहिए, नई हुकूमत चाहिए, ताकि क्राइसिस का सही मानों में सरकार हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। देखिए, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफत का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफत का लम्बरदार था और हक से एक इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार, तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है? ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।